बिल को लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत बाजार के NH-32/7E सुपौल अररिया मुख्य मार्ग को चिलोनी नदी पुल एवं राधे श्याम केजरीवाल मार्ग समीप महागठबंधन के लोगों ने किया सड़क जाम। सड़क जाम के कारण एम्बुलेंस, स्कूली बच्चों एवं राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क जाम के कारण आवाजाही में कुछ राहगीरों से नोकझोंक भी हुई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं किसान बिल को लेकर किसान एवं नेतागण। स्वर्णा के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। क्यों जाम किए हैं? ये किसान विरोधी तीन कृषि कानून को वापस लेने के लिए सारे किसान जो आज सड़क पर उतर गए और उनके समर्थन में हम आए हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे और वो कानून में लाए, वार्ता का दिखावा बंद करें। ये जो देख रहे हैं आज सारे किसान हैं, इसमें किसानों के नाम पर जो आतंकवाद कहा जाता है इसकी आईडी आप देख सकते हैं और वह सब अपनी आईडी देने के लिए तैयार हैं। आप लोग क्या मांग है, मुख्य मांग है? आप लोग मुख्य मांग है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो MSP वह कानून में लाए, जिससे कि हम लोग अगर किसी के यहाँ बेचेंगे तो उसका जो है समर्थन मूल्य के नीचे कर देंगे तो उस पर हम लोग कानून कार्रवाई कर सकेंगे। अभी जो ये कानून पास किया उसमें कोई कमी है क्या? इसमें ये जो कमी है जो MSP के बारे में जो कानून में नहीं लाया गया है वह कानून में लाना चाहिए, लाई देना चाहिए। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि किसान के नाम पर जितना उगाही हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि कहीं भी किसान के लिए कोई भी सरकार अगर क्या है तो ठगने का काम। एक सौ रुपये के जी का 100 रुपया धान बिकता है। क्या बोले? 100 रुपये सड़क जाम किए हैं किसान का, जो तीनों बिल ये काला कानून जो ये सरकार पास किए हैं, ये तीनों बिल के खिलाफ हम लोग जाम किए हुए हैं। ये किसान की आंदोलन है और हम लोग सब एक बद्ध होके एकताबद्ध होके ये जाम किए हुए हैं। सरकार ये जो हिटलर शाही जो सरकार चला रही है, ये जो बिल जो है सरकार जो कर रही है कि जो हम कहेंगे, किसान की खेत है और ये कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में किसानों का ही हक बनता है। लेकिन ये हिटलर शाही सरकार जो पहले अंग्रेजों की जमाने में होती थी कि ये नील की खेती करनी पड़ेगी तो होता था, वही चीज फिर से लागू करने ये जा रही है सरकार। सरकार कह रही है कि ये जो किसान का है मंडी समाप्त होते जा रहा है, MSP पर समाप्त होते जा रहा है, वो कह रहे हैं कि न्यूनतम किसान का है जो न्यूनतम दाम पर जो हमको लिया जा रहा है ये मंडी समाप्त नहीं हो, हमारा MSP समाप्त नहीं हो, धीरे धीरे बढ़ते हुए कहता है कि आप बाहर भी अनाज को बेचिए और बेचते बेचते ये सरकार धीरे धीरे इसको समाप्त कर देगी। इसलिए ये किसान हमारे आंदोलन पर बैठी हुई है, कह रही है कि ये हिटलर शाही जो आप कर रहे हैं, आप जो कहते हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार किसानों के और गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है। जहाँ भी देखिए ये किसान, जिस तरह की अंबानी और अडानी का एक जियो का एक आप एग्जांपल लीजिए, जिस तरह ये जियो पहले फ्री किया, उसके बाद 1.49 किया, उसके बाद 1.99 किया, उसके बाद 3.99 किया, फिर 5.99 किया। इसी तरह ये सरकार की मंशा है कि हम गरीबों को जो अपने मुट्ठी में ले लें और ये जो हम कहेंगे वही होगा, इस तरह की ये नीति किसान अपना रही है। और हम सब जो भी महासभा गठबंधन जितने भी लोग हैं जो भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम सभी चाहते हैं कि ये किसान की आंदोलन है, राजनीति के तहत वो लोग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग किसान के साथ में हैं, अधिकतर लोग किसान के बेटा हैं और जब तक किसान की ये तीनों बिल माफ नहीं करते तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसे एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल News Prime 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर